सोचते हैं हम लोग, मतलब इस फिल्म में बहुत राजू ने मेहनत की, संजू में हम लोग ने काम कर रहे बस यही है। और मुझे उम्मीद है ये फिल्म राजू की बहुत बड़ी हिट होगी, बहुत अच्छी फिल्म बनाए। मैं सचमुच बहुत थका हूँ, मैं सुबह नेशनल अवार्ड से आया हूँ, तो नेशनल अवार्ड के लिए तो मैं क्या जवाब दूँ, मैं टायर्ड हूँ अभी। मेरे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि राजू की मुन्ना एमबीबीएस से लेके लगरो मुन्ना भाई से लेके पीके से ये फिल्म मैंने की, मैं बहुत इमोशनली राजू के साथ काम करता हूँ और मेरे लिए मुझे पता है कि डेफिनेटली जो मैंने गाने किए बहुत अच्छे आपको पसंद आएंगे। और मैं क्या बोलूँ, अहमद हिट हो गया है, बागी 2 बहुत बड़ी हिट हो गई और कली के मेरा दोस्त है, कोरियोग्राफर है और हम लोग की बिरादरी का आदमी आगे बढ़ गया। मैं बोलूँगा अहमद बस ऐसे आगे बढ़ जाओ, उसके पहले रेमो था, अहमद था, करते रहे जितना मेरे से हो सके कर सकता हूँ मैं। बागी 2 का गाना था, साजिद नटवरिया ने बोला था 1-2-3 का, तो वो किया मैंने और ऑल द बेस्ट। अभी अहमद बागी 3 बनाएगा, बहुत सारी फिल्म बनाएगा। ओके थैंक यू। आएगा दादा आप काफ़ी मेहनत करते हो डांसिंग के लिए, ए चुप रे दादा आप काफ़ी मेहनत, ये डालना है चुप रे, काफी मेहनत करते दादा क्योंकि वो इजी नहीं होता है। हाँ। खाने से बड़ा डांसिंग होता है। हाँ। और जीवन होता है पाने के लिए। हाँ। दादा आप काफी लोगों को सिखाते हो डांसिंग में, काफी मेहनत करते हो जो कि आप पर्दे पे भी नहीं आते लेकिन लोगों को डांसिंग सिखाते हो। हाँ। दादा इसके लिए क्या बोलना चाहिए? यही बोलूंगा कि कोशिश करते रहता हूँ मैं कोरियोग्राफी में नए नए कुछ गाने करूँ। अभी लास्ट पद्मावत का गाना था खलबली, वो था। अभी फिर बागी 2 का गाना था 1-2-3। अभी संजू आ रही है और कंटिन्यू फिल्म में आ रही है, तो कोशिश यही कि अच्छा काम करूँ, आम लोगों का डांस स्टेप है, आम लोगों के लिए कोरियोग्राफ करता हूँ और आम इंसान हूँ। दुआएं देते रहो, ऐसे काम करता रहूँगा। दादा हम मेहनत पर्दे के पीछे काफ़ी करते दादा लेकिन नाम हमारा आता नहीं। आप मेहनत काफ़ी करते हो, डांसों को सिखाते हो, स्टार को सिखाते हो, ये देखिए सलमान खान जी से आदमी को आप सिखाते हो, तो दादा आपको नहीं लगता कि आपको भी आगे आना चाहिए डांस सीखने के लिए? मैं सीखने के लिए नहीं, मैं सीखने के लिए आ गया रहा हूँ, डांस सीखने के लिए आ गया रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं। जब बोलूँ तब आऊँगा। ओके थैंक यू, थैंक यू दादा। ఈ వీడియో గనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.